अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद मिर्जा है और मेरा ताल्लुक लाइन प्रॉपर्टी से है। आज हमारे ऑफिस में डॉक्टर मंजर आलि साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम। डॉक्टर मंजर साहब माशाल्लाह ही इज अ सीईओ ऑफ द मैनेजर्स ग्रुप। पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में माशाल्लाह ही इज वेरी रिनोन्ड एंड इंटरनेशनली दुबई भी में बहुत तजर्बा रखते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर तशरीफ लाए थे तो हमने सोचा कि इनसे, क्योंकि हम वैसे तो बहुत टिप्स लेते रहते हैं रियल एस्टेट और उसके फ्यूचर में, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और अपनी आवाम को बताया जाए कि जो हमारा रियल एस्टेट है और उसके आने वाले वक्त में क्या हमें फायदे हो सकते हैं। सो डॉक्टर साहब आपको थोड़ी सी जो आज आप आए तो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा माशाल्लाह विद योर 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा आप हमारे कस्टमर्स को थोड़ा सा बताएं फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस हमेशा से बहुत अच्छा रहा, अनफॉर्चुनेटली पिछले 4-5 साल से ये स्लम का शिकार है, जिसकी वजह गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी जिसमें हाई टैक्सेशन थी और ट्रांसफर्स के ऊपर ड्यूटीज बहुत ज़्यादा थी। फॉर्चुनेटली ये कोरोना के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग दी है और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में रियल एस्टेट को एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट करके तस्दीक की है। अब इसके ज़रिए आप बैंक्स आपको लोन भी दे सकेंगे। नंबर टू, चूँकि गवर्नमेंट ने 60% ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के टैक्सेस को कम किए है, और नंबर थ्री जो गवर्नमेंट ने जो हमारा मार्कअप था या इंटरेस्ट रेट था यहाँ पे उसको 13.5% से 8% पे लिए। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो लोगों की जो चॉइस होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में मल्टीपल रेट सेट होती है। तो मैं पर्सनली अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसकी रोशनी में मुझे ये नज़र आता है या मैं ये फील कर रहा हूँ कि आने वाला जो दौर है खासतौर पर 2020 के एंड से स्टार्ट होकर 2022-23-24 तक रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो पाकिस्तान की जो नई पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, उससे बहुत इफेक्ट आएगा हमारी रियल एस्टेट में। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप थोड़ा सा ये भी बताएं, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ट्रस्ट का प्रॉब्लम आता है, तो वो क्या पॉइंट्स हैं जब भी कोई किसी जगह भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि आप एक बंदे को एडवाइस करते हैं कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो कुछ चंद एक आध इस तरह के जो दैट विल हेल्प आवर लॉट ऑफ लेमैन जो इन्वेस्टर्स हैं। पहले एक मशरूम ग्रोथ थी कि हर बंदा उठ के काफी स्ट्रेटजी बना देते थे, कोई रेगुलेशन नहीं थी, कोई रेगुलेटर्स काम नहीं कर रहे थे। अभी पिछले 2-3 साल से इतनी अकाउंटेबिलिटी स्पीड में हो गई है कि अब सिर्फ वही हाउसिंग सोसाइटीज चलेंगी जो प्रॉपरली अप्रूव्ड होगी। तो जो भी सोसाइटी अगर किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है उसमें आप आंखें बंद करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अप्रूवल आपको तभी मिलना है कि जब उसने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की होंगे। थैंक यू सो मच। जैसे कि नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे वीडियो को लाइक करने का। 2020 का एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और 21, दैट्स अ ईयर ऑफ रियल एस्टेट, बहुत गेम चेंज होनी है। अभी से आप लोग प्लान करें, कॉल अस, वी विल डेफिनेटली गिव यू बेस्ट अपॉर्चुनिटीज इन रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। थैंक यू सो मच।